आज मैं आपको सिर्फ एक नारियल से ना तीन अलग अलग रेसिपी बताऊंगी। ये जो नारियल के छाल होते हैं ना, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, इसका भी इस्तेमाल होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। देखिए कितना बाउल भर के हमें कोकोनट मिल्क यानी नारियल का दूध मिला है, एकदम प्योर घर का बना हुआ। और इसी एक नारियल से यहाँ पे प्लेट भर के हमें डेसिकेटेड कोकोनट मिला है। फेस्टिवल में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में ओरिजिनल प्योर कोकोनट ऑयल जो साल भर चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सबको बनाने में ना तो ज़्यादा मेहनत लग रही है और ना ज़्यादा टाइम लगेगा। किचन में ये सब रोज़ाना काम आने वाली चीज़ें हैं, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले इसके ऊपर की जो सारी छाल है, इसे कुछ लोग ना जटाई भी कहते हैं, बाल भी कहते हैं, रेशे भी कहते हैं, तो ये सारे के सारे जितने हो सकते हैं हम निकाल लेंगे। और इसे आप फेंके नहीं, ज्यादातर लोग इसे निकाल कर फेंक देते हैं, पर हम इसे फेंकने वाले नहीं है, इसका भी इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल हम इसे साइड में रख देते हैं और नारियल को तोड़कर ले लेते हैं। तो देखिए एकदम फ्रेश कोकोनट है, आप देख सकते हैं, और कितना सारा फ्रेश पानी हमें यहाँ पे मिला है। ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी वाटर है, मैं तो इसे अभी पीने वाली हूँ, थोड़ा एनर्जी भी तो मिल जाएगी। अब इसके अंदर ये जो आप सफेद सा नारियल देख सकते हैं, कितना फ्रेश है, एकदम परफेक्ट है। तो इससे ना हम क्या करेंगे ना, इसका जो अंदर का जो हिस्सा है वो हमें लेना है। ये देखिए इसके सारे पीसेस मैं इस तरह से कट करके ले रही हूँ। अब जो ये नारियल का शेल बचा है, इसे भी आप फेंके नहीं, ये भी बड़े काम की चीज होती है, तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ। और जो ये कटा हुआ नारियल का हिस्सा है, इसे थोड़ा धोकर ले लेती हूँ, इसके ऊपर पूरा जो नारियल के छाल का था ना वो सब लग गया है, तो धो के ले लेते हैं। अच्छे से धोकर साफ करके मैंने ले लिया है। अब आप चाहो तो इसके पीछे का जो आपको ब्राउन हिस्सा दिख रहा है, आप इसके बिना भी इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ व्हाइट वाला हिस्सा ले सकते, बट मैं इसके साथ ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो क्या करेंगे, इसको ना हमें पीस कर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। इसमें आधा नारियल में डाल रही हूँ, क्योंकि पूरा एक साथ नहीं आने वाला है, मिक्सर का जार छोटा है। अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप एक साथ भी इसे पीस सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी पानी और इसे ढक देंगे। चलिए पीस लेते हैं। ये देखिए पीस कर ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल और छलनी ली है, इसमें इसे पिसा हुआ जो नारियल है ये पूरा डाल देंगे और अच्छे से निचोड़ कर ले लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे नारियल का जो दूध है अलग होने लगा है। अब जो ये छलनी में बचा हुआ नारियल है, इसे हम फिर से मिक्सी के जार में डालेंगे, फिर पानी डालेंगे और फिर से इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर से हमें इसे छान लेना है। तो हर एक बैच के लिए मैं इसे दो टाइम इस तरह से ग्राइंड करके छान कर लेने वाली हूँ, जिससे कि हमें ना बहुत ही अच्छा गाढ़ा दूध मिलेगा। अच्छे से निचोड़ कर लेंगे, जितना हो सके उतना इसका दूध जो है अलग कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ है इसे हम थाली में रखते जाएंगे। कितना छोटा छोटा हो गया, देखिए ड्राई लग रहा है ना एकदम से, मतलब इसके अंदर जितना भी दूध था हमने ऑलमोस्ट निकाल लिया है। और अब यहाँ पे बाउल में आप देख सकते हैं, बाउल भरकर हमें दूध मिला है, एकदम प्योर कोकोनट मिल्क है, बिना मिलावट के, बिना प्रिजर्वेटिव के। आप इस बने हुए कोकोनट मिल्क से सिर्फ मिठाई खीर ही नहीं, बल्कि सब्जी करी बनाने में, फेस वॉश बनाने में, फेस पैक बनाने में, बॉडी वॉश बनाने के लिए, हेयर पैक बनाने के लिए, कई तरह से बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो फिलहाल अब ये जो कोकोनट मिल्क है इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ 6 घंटे के लिए। हमने निचोड़ के लिया हुआ है ना नारियल, इसे इसमें डाल देंगे और एकदम आंच को जो है धीमा रखेंगे और इस तरह से चलाते हुए उसे सुखा कर ले लेंगे। ध्यान रहे आंच को एकदम धीमा ही रखना बहुत जरूरी है, इसका कलर ना तो एक तो चेंज होना चाहिए और ना ही ये जलना चाहिए। इसे बस इतना ही भुनना है कि इसके अंदर की जो भी नमी है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और ये अच्छे से ड्राई भी हो जाए। अब आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला बना है, नमी भी नहीं है और पाउडर की तरह लग रहा है, बिल्कुल इसमें गुठलियां तक नहीं है और ये जला भी नहीं है और ना ही इसका कलर चेंज हुआ है। बस अब गैस को कर देंगे ऑफ। ये हमारा डेसिकेटेड कोकोनट बनकर रेडी है। अक्सर हम इसे मार्केट से खरीद के लाते हैं, पर इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है। तो ये हमारा डेसिकेटेड कोकोनट भी बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे 6 घंटे हो गए थे जिस दूध को हमने फ्रिज में रखा था, और अभी आप देख सकते हैं पानी एकदम अलग हो गया है और सारी क्रीम जो है ऊपर सतह पे आ गई है।
तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो ये जो क्रीम है इसे सिर्फ निकाल लेते हैं और कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये जो पानी है आपको नजर आ रहा है, ये हमें नहीं लेना है। अब इस कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा देते हैं, आज को जो है हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पे जो बाउल में पानी बचा है इसे आप फेंकेरी, आप इसे दाल सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे साइड में रखती हूँ, जब मैं सब्जी बनाऊंगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रीम है यानी जो मलाई हमने निकाल के ली थी वो पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इसमें अच्छा खासा उबाल भी आ गया है। अब उबाल आने के बाद गैस का जो फ्लेम है हम एकदम धीमा कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मलाई है एकदम गाढ़ी ना हो जाए, एकदम दानेदार ना हो जाए और इसमें से तेल ना अलग हो जाए। अब यहाँ पे जो हमने नारियल की चटाई रखी थी, जो छाल रखी थी, क्या करेंगे इसे ना इस तरह से रफली तोड़कर मिक्सी के जार में डालते जाएंगे और इसे अब पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका पाउडर बनकर रेडी हो गया। अब जितनी छाल है उस हिसाब से इसका पाउडर भी बनेगा। अगर आपने ज्यादा लिया है तो ज्यादा पाउडर बनेगा, अगर मोटे मोटे रेशे हो तो आप उसे निकाल दें। अब इस तरह के जो फूल होते हैं जो कि हम हमारे घर के मंदिरों में भगवान को चढ़ाते हैं, बट आप ना उसे फेंके नहीं, आप इन्हें ना धूप में या फैन के नीचे सुखा कर ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सूखने के बाद कुछ हो जाते हैं। ये मैं यहाँ पे ना ड्राई सूखे हुए जो गुलाब के पंखुड़िया वो ले रही हूँ और साथ में मैं गेंदे का फूल है वो भी ले रही हूँ, सुखा कर लिया था। तो आपके पास जो भी फूल होंगे जो अपने भगवान को चढ़ाए होंगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको अलग से फूल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है स्पेशली। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच लोबन, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे भगवान की सारी सामग्री मिलती है वहाँ पे लोबन आसानी से मिल जाता है, एक बड़ा चम्मच कपूर, 4 से 5 मैंने लौंग ली है, 2 से 3 तेज पत्ते है इसे भी तोड़कर डालेंगे और फिर से इसे पीस लेंगे एक साथ। देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और हल्के हल्के आपको इसमें गुलाब की पंखुड़ियां भी नजर आ रही होंगी। तो अब फिलहाल इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी मिलाने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चंदन का पाउडर। अगर ये ना हो तो आप जो संतरे का छिलका होता है ना उसका पाउडर भी ले सकते हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच हनी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे घी और 1 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे तिल का तेल ले रही हूँ। तिल का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई ऑयल भी ले सकते हैं या फिर घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच मैं गेहूं का आटा भी डाल रही हूँ। जी हाँ, ये गेहूं का आटा है, नॉर्मल जो हम रोटियां घर पे बनाते हैं वही वाला। और साथ में यहाँ पे मैं 2 से 3 बड़े चम्मच गंगा जल भी मिलाने वाली हूँ। मैं जब उत्तराखंड गई थी ना तब मैंने ना वहां से ही गंगा जल लाया था तो वो ले रही हूँ। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप यहाँ पे रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और जैसा आटा गूंदते हैं बस वैसे ही इसे गूंद लेना है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके पास इसमें से कुछ चीजें ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी बहुत चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। तो डो बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेंगे और इस तरह का शेप देते जाएंगे। देखिए शेप आप कई तरह से दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, और साइज भी आप मोटी छोटी रख सकते हैं। इसमें हमने लौंग तेज पत्ता डाला है, ये ना हमारे घर के जो भी निगेटिविटी होती है उसको दूर करता है। और साथ ही में हमने इसमें गंगा जल डाला है, लोबान है, कपूर है, फूल है, तो ये हमारे घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है। देखिए ये हमारा पहला जो है बनके रेडी है धूपबत्ती, इसे हम साइड में रखते हैं। कितना आसान है इसे बनाना, अगर आपको हाथों से नहीं जम रहा है तो आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं और उस मोल्ड के हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। अक्सर हम इसे मार्केट से खरीद के लाते हैं जबकि ये सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल होती है और हम ये घर पे बहुत ही आसानी से इस धूपबत्ती को बना सकते हैं। तो सारी मैंने यहाँ पे धूपबत्ती बनाकर रेडी कर ली है। टोटल यहाँ पे इतने मिक्सर में 8 बत्तियां बनके रेडी है। अब ना ये हल्की गीली है तो इसे हम फैन के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं और सूखने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए अब ये पूरी तरह से दानेदार हो गया है और आप देख सकते हैं कि काफी सारा तेल भी नजर आ रहा है। ये जो तेल आपको नजर आ रहा है ना यही ओरिजिनल नारियल का तेल है यानी कि कोकोनट ऑयल है। गैस को अब ऑफ कर देंगे क्योंकि इससे ज्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे और ये जो सारा तेल है इसे हम छान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोकोनट ऑयल कितना हेल्दी होता है हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए। घर पे जब हम इस तरह से तेल बनाते हैं तो इसका जो कलर है बिल्कुल ऐसा ही होता है, ना कि सफेद होता है। मार्केट में जो तेल मिलता है वो आपको सफेद नजर आता होगा, बहुत ही रिच ऑयल है,
तो आप इसे बनाने के बाद कोई भी कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में भरकर आराम से रख सकते हैं और साल भर तक आराम से स्टोर करके भी रखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पे हमने एक नारियल से डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का तेल, नारियल का दूध हमें मिला है, और ये जो हमने नारियल के जटाओं से धूपबत्ती बनाई थी आप देख सकते हैं, इसे मैंने अभी जला लिया है, और जलाने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू तो आ ही रही है, साथ में पॉजिटिविटी भी फील हो रही है। तो देखा ना, एक नहीं बल्कि चार चार चीजें हमने इस एक नारियल से बनाई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय लगता है। तो आप भी ये सारी रेसिपी ट्राई करें और बताएं कि कैसे लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।